हम यहाँ पे ट्राई करेंगे एडिशनल एक्सरसाइज टू, पेज नंबर 88 पे एनसीईआरटी बुक के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.12 क्वेश्चन नंबर है, ए चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन। ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है 8 मिली कूलम का। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल पॉइंट चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम ए पॉइंट पी इज इक्वल टू 003 सेंटीमीटर टू पॉइंट क्यू 0.440 सेंटीमीटर वाया ए पॉइंट आर 069 सेंटीमीटर। मीनिंग क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमें हम थ्री डायमेंशनल सिस्टम बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बना लेते हैं। ओरिजिन जो है हमारा, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, इसको मैं चार्ज को क्यू वन नाम दे देता हूँ, और क्यू वन की जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 8 मिली कूलम। मिली कूलम में गिवन है, तो मिली आपको पता होना चाहिए, मिली होता है 10⁻³। तो इतना हमें क्यू वन चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है, और एक अनदर चार्ज हमारे पास है, उसको हमें पी पॉइंट से मूव करवाना है। पी पॉइंट से कहाँ मूव करवाना है, क्यू पॉइंट पे मूव करवाना है। अगर मैं यहाँ पे जो है इसको कंसीडर करता हूँ एक्स एक्सिस, इसको कंसीडर करता हूँ वाई एक्सिस, और इसको कंसीडर करता हूँ जेड एक्सिस। मैंने थोड़ा सा सिस्टम को चेंज कर लिया है ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो ये एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, और जेड एक्सिस हमने ऊपर की तरफ लिया है। तो सबसे पहले पी पॉइंट गिवन है, और पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट गिवन है 003 गिवन है। 003 मीनिंग एक्स की वैल्यू 0 है, वाई 0 है, जेड की वैल्यू गिवन है, यानी कि जो चार्ज हमारा इनिशियल पोजीशन जो चार्ज की है वो हमारी पी पोजीशन जेड एक्सिस के अलोंग है, और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 003 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखा हुआ है, और जबकि हमें इसको मूव करवाना है, फाइनल पोजीशन इसकी क्यू जो पोजीशन गिवन है वो हमारी गिवन है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे गिवन है 0404, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट गिवन है यहाँ पे ही हमारा है क्यू, क्यू की वैल्यू, क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है 040, ये सेंटीमीटर में गिवन है। और हमें किसी अनदर पॉइंट के थ्रू इसको मूव करवाना है, मान लो वो पॉइंट जो है हमारा ये यहाँ पे गिवन है आर, इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 069। मीनिंग क्या है, ये जो आर पॉइंट जो है वो पी वाई जेड प्लेन के अंदर यहाँ पे लाई करता है, ये वाई की वैल्यू और ये जेड की। मीनिंग इसको हमें ऐसे मूव कराना, पी से हम इसको आर पे लेके जाएंगे, और आर से हम कहाँ पे लेके आएंगे इसको, इस पोजीशन पे, क्यू पोजीशन पे लेकर के आएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें पोटेंशियल की वैल्यू पी पे फाइंड आउट करनी है, फिर पोटेंशियल की वैल्यू हमें क्यू पे फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो पाथ की लेंथ इस पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ लेंथ पे, ये डिपेंड करेगा किस पे, इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करेगा, ना कि किस पे डिपेंड करेगा, पाथ लेंथ पे। तो इसका मीनिंग हमें क्या निकालना है, एक तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, फिर हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, और चार्ज जिसको हमें मूव करवाना है वो क्यू नोट, उसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्यू नोट चार्ज, टेस्ट चार्ज की नेगेटिव चार्ज है -2 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज, इसको हमें मूव करवाना है क्यू नोट चार्ज को, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे। तो पहले तो पी पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा, वी पी जो आएगा के क्यू डिवाइड बाई के क्यू वन डिवाइड बाई डिस्टेंस जो इसका आएगा, आप देखो वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है, तो जेड से डिवाइड कर सकते हो आप, जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये, के क्यू डिवाइड बाई आर वन लिख सकते हैं हम इसको। तो ऐसे ही हम जो है वी क्यू को क्या राइट कर सकते हैं, के क्यू वन डिवाइड बाई, इसको मैं R2 मान लेता हूँ, ये R1 डिस्टेंस, ये R2 डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मैं मान लो V से लिख देता हूँ इस पोटेंशियल डिफरेंस को, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में VQ - VP, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। K कॉमन है दोनों में, Q भी कॉमन है, K Q1, और डिफरेंस जो आएगा 1/R2 माइनस कितना आ जाएगा 1/R1, ये हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्क डन जो जिस चार्ज को हमें मूव करवाना है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू नोट जो आएगा दिस इज इक्वल टू VQ - VP, या हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्यू नोट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे के
Q1 वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन। तो ये वैल्यू पुट करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं, कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें P पोजीशन से चार्ज को Q पोजीशन तक मूव करवाने के लिए। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, K की वैल्यू जो है 9 × 10⁻⁹ आ जाएगी, क्यू नोट की वैल्यू 2 × 10⁻⁹ हो जाएगा ये, और नेगेटिव साइन भी है इसके साथ, तो नेगेटिव साइन को आगे ले आते हैं यहाँ पे। और Q1 की वैल्यू जो हमारे पास है 8 × 10⁻³ है, और 1/r2 r जो डिस्टेंस है वो देखो सेंटीमीटर में गिवन है, इसके हम मीटर बना सकते हैं यहाँ पे, तो इसके मीटर बना लेंगे। सबसे पहले r1 जो डिस्टेंस गिवन था, r2 − r1, r2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो 4 × 10⁻²² मीटर हो जाएगा, माइनस में ये 3 था, 3 × 10⁻²² हो जाएगा। तो सोल्व करने की ज़रूरत है, इसको सोल्व करेंगे, हमारा जो वर्क डन आएगा वो यहाँ से, पहले तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत है, यहाँ से 10⁻², नीचे से कॉमन आ जाएगा, बाहर लिख सकते हैं 1/4 1/3 3 − 4, ये जो आएगा ये नेगेटिव आएगी, ये मीनिंग माइनस में आएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ से नियर अबाउट 1.2 जूल आएगी, तो ये 1.2 जूल आ जाएगा आंसर इसका। तो मीनिंग वेरी सिंपल है, आपको सिर्फ पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम वर्क डन करते हैं, वर्क डन जो है यहाँ पे जो वर्क डन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो दोनों पॉइंट के बीच का पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, और फिर उसको जिस चार्ज को हमें मूव करवाना है उससे हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इस तरह से हम ये एडिशनल एक्सरसाइज की हमारी फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, 2.13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्यूब ऑफ साइड बी हैज ए चार्ज क्यू एट ईच वर्टिक्स, डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले क्यूब जो हमें गिवन है उसकी साइड गिवन है बी, क्यूब बना लेते हैं कोई भी, ये क्यूब गिवन है, और साइड इसकी कितनी गिवन है, बी गिवन है, हर एक साइड इसकी बी गिवन है, और चार्ज जो है हर कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, इसके वर्टेक्स पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे 8 वर्टेक्स होते हैं आपको पता है, और 8 के 8 वर्टेक्स पे कितना चार्ज रखा हुआ है, क्यू। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेंटर पे हमें फाइंड आउट करना है, तो क्योंकि चार्ज जो है वो सेम साइन का चार्ज है, इक्वल चार्ज है, तो अपोजिट कॉर्नर पे जो चार्ज है वो एक तरह से क्या करेगा, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, जैसे हमने स्केयर के केस में किया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो आएगा। क्यों जीरो आया, क्योंकि अपोजिट जो कॉर्नर है वहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल, क्योंकि डायरेक्शन जो आएगी वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कैंसिल आउट कर देगा। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम टोटल फाइंड आउट करेंगे, तो 8 कॉर्नर्स पे चार्ज है, इक्वल चार्ज है, तो सबका पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐड हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K Q/R। R जो आएगा सेंटर तक का जो है, हम O से लेके मान लो एक कॉर्नर का, मैंने यहाँ पे मैं किसी भी कॉर्नर का नेम रख देता हूँ, A रख देते हैं, A से लेके O तक का जो डिस्टेंस है वो R हो जाएगा यहाँ पे, OA जो है वो R, ऐसे OB OC हर एक कॉर्नर पे अगर हम उसको स्पेसिफाई करें नाम से, तो ऐसे निकाल सकते हैं। R हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और क्यूब का जो हम डायगोनल निकाल लेंगे उसका जो हाफ आएगा वो हमारे R की वैल्यू आएगी। तो R की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, R की वैल्यू आ जाएगी √3/2, बी हो जाएगा, यहाँ बी साइड है, तो √3/2b जो आएगी ये वैल्यू हमारी किसकी आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें पुट कर दो बस, पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 8 K Q, और R की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3√3b 2, ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 16 K Q/√3 × b, दिस इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के सेंटर पे ये वैल्यू आएगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये फाइंड आउट करना आपको डिस्टेंस। तो सिंपल मैथमेटिक्स का आप यूज़ करोगे, 10th तक आप डायगोनल निकालते आए हो, डायगोनल का हाफ कर दो क्यूब के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर से लेके एक वर्टेक्स तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ऐसे हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2.13 हमारा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं।
2.14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। टू टिन स्फीयर कैरिंग ए चार्ज ऑफ, दो स्फीयर गिवन है हमें, उनका चार्ज गिवन है Q1 1.5 माइक्रो कूलम और दूसरा जो स्फीयर गिवन है उसका चार्ज हमें गिवन है 2.5 माइक्रो कूलम। आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है हमें। जो लोकेशन है इनकी, लोकेट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर गिवन है, या हम इसको लिख सकते हैं 0.3 मीटर भी हम इसको राइट कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला ए पॉइंट, पहला फर्स्ट क्वेश्चन ले, एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज, भी दो जो चार्ज है Q1 और Q2 इनके मिड पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर कितना आएगा। यहाँ पे हमें पोटेंशियल भी फाइंड आउट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड आउट करनी है। तो पोटेंशियल अगर हमें फाइंड आउट करना है, नेट पोटेंशियल, तो ये जो डिस्टेंस आएगा इधर, ये R/2 हो जाएगा, ये भी R/2 हो जाएगा। सेंटर पे जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी V1 + V2, दोनों के पोटेंशियल के सम के इक्वल आएगी। तो पोटेंशियल की वैल्यू होती है Q1 / ये डिस्टेंस मैंने R/2 कंसिडर किया हुआ है, तो R/2 आ जाएगा यहाँ पे, R/2 टू मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऐसे। ऐसे यहाँ से ये जो डिस्टेंस आएगा पोटेंशियल जो आएगा Q2 और डिवाइड बाई R, यहाँ भी 2 आ जाएगा। मीनिंग टोटल पोटेंशियल जो है दोनों के पोटेंशियल के सम के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और दो चार्ज जो गिवन है दोनों ही चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव। तो नेट पोटेंशियल जो है ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2K/R, इसमें से कॉमन आ जाएगा, और Q1 + Q2। तो इस फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 × 9 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई R की वैल्यू 0.3 मीटर है, और Q1 और Q2 1.5 + 2.5 माइक्रो कूलम है, यानी कि 10⁻⁶ यहाँ पे लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे। पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या है, वोल्ट जो है वो पोटेंशियल की यूनिट होती है। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2.4 × 10⁵ वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा निकल गया पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी थी। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी। हम यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान के चलेंगे, ये चार्ज इसको इधर इधर रिपेल करेगा, Q1 की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और Q2 की वजह से आएगा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन इधर आएगी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करें तो Q1 पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे सपोज कर लेंगे, इधर जाएगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है। और चार्ज Q2 ज़्यादा है, यहाँ पे E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ये E1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा हमारे पास E2 माइनस कितना हो जाएगा E1। तो डायरेक्शन जो आएगी Q2 चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन Q1 की तरफ आएगी, क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो वैल्यू पुट कर देंगे, फार्मूला लगाना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। यहाँ से आएगा Q2 / R, R/2 है तो 2 यहाँ आ जाएगा, R/2 स्केयर होता है डिवाइड में फॉर्मूले में, माइनस में Q1 / R/2 का ये भी स्केयर हो जाएगा। तो इसको हमें सोल्व करना है कहीं, यहाँ पे हमारे पास बनेगा K/ ये 2 4 हो जाएगा, 4K/R² Q2 - 4K Q1/R² जो कॉमन आता है कॉमन ले सकते हैं, 4K/R² कॉमन है, तो ये Q2 - Q1 हो जाएगा। तो 4 × 9 × 10⁹ और डिवाइड में 0.3 का स्केयर हो जाएगा, और Q2 - Q1 यानी कि 2.5 - 1.5 × 10⁻⁶ माइक्रो है ना, इसलिए -6 आ गया। तो ये यहाँ से आ जाएगा 4 × 9 × 10⁹ डिवाइड बाई 0.3 × 0.3, और यहाँ से कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, यानी कि 10⁻⁶ ये आ जाएगा। तो इसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, ये आंसर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू
मिड पॉइंट पे, कहाँ पे आएगी ये, मिड पॉइंट पे हमारी वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू 4.0 × 10 की पावर जो आएगी यहाँ से 5, 10 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ से 5, और यूनिट लगा सकते हैं वोल्ट पर मीटर, या आप दूसरी यूनिट भी यूज कर सकते हो, न्यूटन पर कूलम जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है, तो दोनों में से कोई भी यूनिट यूज़ कर सकते हो। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट से की डेफिनेशन से ये जो है हमारी वैल्यू आती है किसकी, यूनिट की, क्योंकि हमें पता है ना E इज इक्वल टू डी वी डी अपॉन डी आर, वी जो है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं स्टर्म को हम, वी वोल्ट में होता है, आर जो है वो किस में हो जाएगा, आर जो है हमारा ये डिस्टेंस यानी कि मीटर, डिवाइड में तो पर मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.14 का एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हम इसका करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन ए प्लेन नॉर्मल टू द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। तो मीनिंग मिड पॉइंट के ऊपर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, भाई जो इनका जो प्लेन है बी, जो हमारा 2.14 क्वेश्चन का बी पार्ट जो है, Q1 Q2 ये जो लाइन है इस, ये इसका मिड पॉइंट आ गया O, और दिस मिड पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन ए प्लेन नॉर्मल टू द लाइन, एक ऐसा प्लेन जो लाइन के पास नॉर्मल है पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, और जो मिड पॉइंट से पास होता है, यानी कि हमारा जो पॉइंट है अब जिस पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करने, P जो पॉइंट है वो इक्विलेटरल लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करता है यहाँ पे, ये पी पॉइंट है, और ये जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से ये 10 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस भी हम निकाल चुके हैं, ये हमारा ओरिजिन है, ये डिस्टेंस 1.5 मीटर हो जाएगा, ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, सबसे पहले पोटेंशियल निकालने के लिए हमें, हमारे पास आर की वैल्यू, ये डिस्टेंस आना चाहिए, और ऐसे हम ये डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, नेट जो पोटेंशियल आएगा, अब देखो दोनों ही चार्ज अलग अलग है, नेट पोटेंशियल का तो वही फॉर्मूला रहेगा, अब हमारा जो डिस्टेंस है ये R1 हो जाएगा और ये R2 जो कि हम निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल की वैल्यू जो आएगी, दोनों चार्ज हमारे पास किस तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, और पॉजिटिव चार्ज है तो नेट पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, तो V1 प्लस V2, तो K Q1 डिवाइड बाई R1 प्लस K Q2 डिवाइड बाई R2। अब R की वैल्यू भी सेम है, तो K R1 और R2 जो है, R1 R2 इज इक्वल टू R, दोनों ही सेम है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू R K R Q1 प्लस Q2, फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे R की वैल्यू चेंज होगी। अब तो R की जो वैल्यू यहाँ पे है, या R1 या R2 की जो वैल्यू है, वो हमारे पास कितनी आएगी, 0.15 का स्केयर प्लस में 10 के भी मीटर बना लेते हैं हम, 0. ये बन जाएगा 1, और इसका स्केयर रूट कर देंगे, तो मीनिंग पाइथागोरस से हम जो है ये फाइंड आउट करेंगे, पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे पाइथागोरस से, तो ये डिस्टेंस जो आएगा हमारे पास 0.18 मीटर आ जाएगा, 0.18 मीटर। तो मीनिंग R1 और R2 की जो वैल्यू है, R1 R2 इज इक्वल टू R, ये 0.18 मीटर है, तो इसमें पुट कर देंगे, पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻¹, और 0.18 Q1 जो है हमारे पास, Q1 की वैल्यू यहाँ पे थी 1.5 प्लस 2.5 इंटू माइक्रो में है, तो -6 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, दिस इज 2 × 10⁵ वोल्ट आ जाएगी। तो ऐसे हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। दूसरा हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बी का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इक्वेटोरियल लाइन पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आती है, हमें पता है देखो, जो Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस साइड आएगा, मीनिंग ये हमारे पास E2 और इधर हमारे पास E1 आएगा। और जबकि जो यहाँ से जो हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, मीनिंग पैरेललोग्राम से हम जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले E1 निकाल लेते हैं हम।
ई वन जो आएगा के क्यू वन डिवाइड बाई आर वन स्केयर या आर का स्केयर कर सकते हैं। ऐसे ही ई टू हम फाइंड आउट करेंगे के क्यू टू डिवाइड बाई आर का स्केयर, क्योंकि आर वन लिख दो या इसको आर टू लिख दो वैल्यू तो सेम ही है। ई वन और ई टू हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले, और दोनों की डायरेक्शन देखो, ये लाइन्स जो इनकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, और या हम पैरेललोग्राम भी लगा सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ई वन स्केयर ई टू स्केयर प्लस टू ई वन ई टू और कोस थीटा हो जाएगा। मीनिंग हमें जो फाइंड आउट करना है मेन, वो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे हम वो वैल्यू कैसे आएगी। थीटा जो हमारा एंगल है, ये पूरा ई वन और ई टू की डायरेक्शन के बीच में ये जो एंगल है इसको हम थीटा कंसीडर करते हैं। तो हम इन एंगल्स को कंसीडर कर लेते हैं अल्फ़ा, और यहाँ पे जो हमारा थीटा की जो वैल्यू है, थीटा दिस इज इक्वल टू टू अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। तो मीनिंग पहले हमें अल्फ़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास है, तो ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले हमें। उसके बाद हम जो है क्या फाइंड आउट करेंगे, थीटा निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, यानी कि थीटा जो आएगा हमारा, थीटा दिस इज इक्वल टू टू अल्फ़ा। थीटा किसके इक्वल आएगा, टू अल्फ़ा के इक्वल आएगा। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया हमारा, क्योंकि ये तो इस लाइन के अकॉर्डिंग आते हैं। इधर अगर हम लाइन लेते हैं, ये थीटा, अगर ये जो थीटा, अगर ये पूरा थीटा होता तब हम ये, क्योंकि एंगल्स को हमें चेक करना है, ये देखो, तो थोड़ा कन्फ्यूजन इसको हम दूर कर लेते हैं और ठीक कर लेते हैं। तो हमारा जो एंगल आएगा, एंगल को दोबारा से देखिए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस लाइन के लोंग आएगा। तो और ये लाइन जो है हमारी मिड पॉइंट से क्यू वन क्यू टू हमारा, अगर हम इस एंगल को थीटा मान के चलते हैं, तो ये अकेला एंगल जो है हमारा, ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये भी अल्फ़ा। तो ये एंगल हमें कंसीडर करने पड़ेंगे अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा नहीं है हमारा, हमारा अल्फ़ा कौन सा आएगा, ये वाले एंगल बनेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस की वैल्यू जो है हमारे पास 0.1 मीटर है, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास आया था 0.18। तो कोस अल्फ़ा जो आएगा हमारे पास, कोस अल्फ़ा इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, और डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास बचेगा 1/18। 1/18 को डिवाइड करेंगे तो 5/9 बचेगा, ये इसको 10 लिख लेते हैं ना हमें से, 5/9 बचेगा ये। और ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 0.5556 आएगी। अब मैंने एक वीडियो डाली हुई है टेबल, कैसे हम अल्फ़ा की वैल्यू नोट करेंगे। तो अल्फ़ा जो आएगा दिस इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0.5556। तो ये आप टेबल से वैल्यू देख सकते हो, टेबल मैंने सिखाई हुई है एक वीडियो में, उस वीडियो को देखिए एंगल चेक करने के लिए। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी ये यहाँ से 50.25 डिग्री आएगी, डिग्री में वैल्यू है, ये मिनट में नहीं है, डिग्री में वैल्यू है। तो ये वैल्यू आएगी, और जबकि अगर हमें थीटा निकालना है, थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टू अल्फ़ा, यानी कि टू को मल्टीप्लाई करना है हमें कितने से, 56.25 से। तो ये वैल्यू आ जाएगी 112.5 डिग्री, डिग्री में वैल्यू निकाल लियो ये पॉइंट लगा के। और कोस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कोस 112.5 डिग्री, ये वैल्यू भी हम देख सकते हैं, 90 प्लस इसको हम कितना लिख सकते हैं, 22.5 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो 0.38 ये वैल्यू हमारे पास आती है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड आउट करें, तो अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ई वन की वैल्यू पुट करेंगे, ई टू की वैल्यू पुट करेंगे, और ई वन प्लस ई वन स्केयर ई टू स्केयर प्लस टू ई वन ई टू और कोस कितना हो जाएगा,
कोस थीटा हो जाएगा यहाँ इसका स्केयर रूट। तो इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो ईवन की जो वैल्यू थी, ईवन का फॉर्मूला मैंने राइट किया हुआ यहाँ पे, तो 9 × 10⁻¹। और Q1 की वैल्यू 2 माइक्रो, कितना था Q1 हमारे पास था 1.5 माइक्रोग्राम। तो ये Q1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.5 माइक्रोकूलम यानी कि 10⁻⁶। और R जो है वो हमारे पास था 0.15, इसका स्केयर कर देंगे ऐसे। क्यूट ये भी निकाल लेंगे 9 × 10⁻¹, ये 2.5 × 10⁻⁶ और 0.15 इसका स्केयर हो जाएगा। मीनिंग ये वैल्यू निकाल के डायरेक्ट आपको इसमें पुट करना है सभी की वैल्यू। और कोस देखो मैंने सब ये वैल्यू भी राइट कर दिया यहाँ पे, तो ये वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 6.58 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो ये वैल्यू आएगी, E1 पुट कर दो, E2 कर दो, और कोस थीटा की वैल्यू ये हम यहाँ पे निकाल ही चुके हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट था एंगल फाइंड आउट करना। तो अगर मैं इस एंगल को अल्फ़ा मान के चलता हूँ, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, और तो ये दोनों एंगल का सम जो है हमारा किसके इक्वल आएगा, थीटा के इक्वल। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमें निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें टेंजेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, प्लस वन में आपने पढ़ा हुआ है। टेंजेंट अल्फ़ा का जो फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओगे, तो अल्फ़ा जो है वो एंगल बनता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है, E1 के साथ जितना एंगल बनाती है या E2 के साथ जितना एंगल बनाती है, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, अल्फ़ा का नाम दिया हुआ है। ये जो एंगल था हमारा, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के साथ जो एंगल बनाता है, ये जो एंगल है ये कितना है हमारा, अल्फ़ा एंगल है। तो अल्फ़ा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि E1 के साथ डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू जो आएगी, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है E2 sin θ / E1 + E2। वैल्यू ये पुट कर देंगे, E2 की वैल्यू जो आई हमारे पास 0.69 × 10⁶ आई हुई है, और साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, साइन थीटा यानी कि साइन हमें कितना निकालना है, साइन 112.5 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। ये जो वैल्यू हमारे पास आती है, ये वैल्यू आती है हमारे पास 0.9239, ये वैल्यू आती है हमारे पास कोस की हम निकाल ही चुके हैं, इनटू में 0.9239 / E1। E1 की वैल्यू 0.42 × 10⁶ और E2 की वैल्यू 69 × 10⁶ आती है, साथ में कोस थीटा भी लगा हुआ, तो कोस थीटा की वैल्यू माइनस में 0.38। तो इसको सोल्व करने के बाद टेंजेंट अल्फा की जो वैल्यू आएगी, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 4.3। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 4.3, देन अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4.3। अब फिर हमें टेबल की तरफ जाना पड़ेगा, टेबल में ये वैल्यू आप देख सकते हो, टेंजेंट की टेबल में जाके तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 14। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, कभी भी इतना लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, आएगा तो एक पार्ट ही इसका पेपर में आएगा, दो पार्ट कभी भी पेपर में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम। ए स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 हैज ए चार्ज क्यू। मीनिंग एक स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल गिवन है हमें, कंडक्टिंग सेल इनर और आउटर रेडियस इसका गिवन है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस जो है वो R1 गिवन है, ये हमें R1 गिवन है, और आउटर रेडियस हमें R2 गिवन है, और चार्ज जो है वो क्यू। अब जब भी हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, तो चार्ज उसके कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। मीनिंग दो सरफेस, एक S1 और एक S2।
ए चार्ज क्यों इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सेल, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल। मीनिंग अगर सेंटर पे हम किसके कितना चार्ज रख देते हैं, यहाँ पे चार्ज रख देते हैं क्यों चार्ज। मैं थोड़ा डायग्राम को बड़ा बनाता हूँ। सेंटर पे देखो ये S1 सरफेस, ये S2 सरफेस है, इसका रेडियस R1 है, आउटर सरफेस का रेडियस R2 है। चार्ज दिया हुआ है इसको, क्यों चार्ज दिया हुआ है इनिशियली, तो चार्ज तो पूरा का पूरा आउटर सरफेस पे ही आएगा। अब अगर सेंटर पे चार्ज रख दें, सेंटर पे जो है क्यों चार्ज रखना है हमें, व्हाट इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल। यहाँ पे चार्ज रख दिया सेंटर पे क्यों, तो यहाँ पे इंडक्शन होगा, तो इसके अंदर वाली साइड जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज आएगा माइनस क्यों। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो फर्स्ट सरफेस S1 की आएगी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी माइनस क्यू डिवाइड बाई एरिया जो आएगा फर्स्ट सरफेस का 4 पाई आर वन स्क्वेयर, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर का एरिया ये होता है, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। जबकि आउटर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम फाइंड आउट करेंगे, पहले टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा, तो इंडक्शन से यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और ये चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, इसके सरफेस पे, यानी कि सरफेस पे अब टोटल चार्ज जो है क्यू प्लस स्मॉल क्यू हो गया, तो यहाँ क्यू प्लस स्मॉल क्यू और एरिया जो आएगा 4 पाई आर टू स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। अब सेकंड पार्ट करते हैं, इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी विद नो चार्ज जीरो इवन इफ़ द सेल इज़ नॉट स्फेरिकल बट हैज़ एनी इरेगुलर शेप एक्सप्लेन। तो मीनिंग क्या है, चाहे शेप स्फेरिकल हो, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी कैविटी के अंदर, अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही कितना आएगा, मीनिंग क्या है भी, अगर हमें सेकंड पार्ट में इसके कैविटी के अंदर चाहे शेप कैसी भी हो, अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, अगर अंदर चार्ज जीरो है, तो वर्क डन भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। मीनिंग अगर हम कोई क्लोज लूप भी लेते हैं, रेगुलर शेप लेते हैं कैविटी की, रेगुलर शेप है, और कोई लूप कंसीडर करते हैं कुछ आउटसाइड और कुछ इनसाइड, और अंदर चार्ज जीरो है, वर्क डन निकालते हैं। अब क्लोज लूप पे वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर हमें पता है हमेशा जीरो होता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, अब पोटेंशियल अलग अलग है, वर्क डन की वैल्यू आती है, तो ये कंट्राडिक्टरी हो जाता है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसका मीनिंग क्या है, चार्ज जब भी किसी कंडक्टिंग सेल को हम देते हैं, चार्ज पूरा का पूरा उसके आउटर सरफेस पे चला जाता है। तो इसका मीनिंग जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी कैविटी के अंदर, वो हमेशा कितनी आएगी, जीरो ही आएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.16 नंबर क्वेश्चन, शो दैट नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ ए डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ चार्ज सरफेस टू अनदर गिवन बाई ई टू माइनस ई वन डॉट एन कैप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज फ्रॉम वन टू टू सरफेस, वन से टू की तरफ जो है एन कैप की डायरेक्शन है। शो दैट and show that outside a conductor the electric field is sigma n cap divided by epsilon। ये हमें प्रूव करना है, एक तरह का आर्टिकल ही होगा, थिन सीट का आर्टिकल हो गया ये। तो अगर हम एक सीट कंसीडर करते हैं, कोई भी प्लेन सीट लेते हैं, कंडक्टिंग सीट है, कुछ थिकनेस है इसकी, मान लीजिए कोई कंडक्टिंग सीट हमारे पास है, लेफ्ट साइड अगर मान लो चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो लेफ्ट साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसको मैं नाम देता हूँ ई वन, और इसकी जो राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस साइड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये ई टू। ई वन की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि एन कैप की डायरेक्शन जो है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमारी वन से टू की तरफ है, इधर वाला सरफेस वन और इधर वाला सरफेस क्या हो जाएगा टू, तो ये आएगी सिग्मा डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, नॉर्मल टू द सरफेस है,
तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि एन कैप की डायरेक्शन वन से टू की तरफ है और यहाँ पे हम अपोजिट केस कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 को हम राइट करेंगे यहाँ पे सेकंड सरफेस की वजह से, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम फाइंड आउट करते हैं, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लग जाएगा एन कैप, क्योंकि एन कैप की डायरेक्शन किधर है, इधर ही डायरेक्शन एन कैप की, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। अगर हम यहाँ से E2 - E1 फाइंड आउट करें, E2 - E1, तो ये आएगा हमारे पास सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन यहाँ पे एन कैप, तो ये हमारे पास बचेगा सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। तो एक तो टर्म हमारी ये प्रूव हो गई है, E2 - E1 जो आया दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप आया। और सेकंड वन हमें फाइंड आउट करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई, एक तरह से हमारी क्या आ गई, इंटेंसिटी फील्ड की वैल्यू आउटसाइड द सरफेस आ गया, कंडक्टिंग सरफेस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दोनों सरफेस की वजह से फाइंड आउट किया और उसका वेक्टर सम हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें शो करना है कि जो हमारा कंडक्टर है यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, मान लो इसकी कोई थोड़ी सी भी थिकनेस अगर होती, ऐसे हम इसको दिखाते, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। इनसाइड द कंडक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इसका मीनिंग E2 और E1 के बीच में कहीं ना कहीं क्या आ गया, डिसकंटिन्यूटी आ गई है। तो नॉर्मल कंपोनेंट्स के बीच में डिसकंटिन्यूटी आ गई है। और सेकेंड पार्ट अगर इसका हम करें यहाँ पे, सेकेंड पार्ट है हमारा, हमें शो करना है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंटिन्यूस आता है। अगर कंटिन्यूस आता है तो हम ये दिखाएंगे कि वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का क्लोज्ड पाथ पे क्या होगा, जीरो होगा। वर्क डन क्या दिखाना है हमें, क्लोज पाथ पर जीरो। टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना है अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, अगर यहाँ हम क्लोज पाथ लेंगे कोई भी क्लोज पाथ, इसके अराउंड से लेते हैं कोई भी क्लोज पाथ, तो उस क्लोज पाथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पे जीरो है, इसका मीनिंग जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मीनिंग वो कंटिन्यूस है, इसका मीनिंग वो क्या आएगा, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कैसा हो जाएगा, फिर कंटिन्यूस हो जाएगा। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लॉन्ग चार्ज सिलेंडर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा सराउंडेड बाय एन होलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू सिलेंडर्स। तो सिलेंडर, लॉन्ग चार्ज सिलेंडर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा इज सराउंडेड बाय एन नैरो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू सिलेंडर्स। मीनिंग ये जो आर्टिकल है, ये हमारा एक तरह से गोज थ्योरम की एप्लीकेशन जो हमने की थी, ये वही एप्लीकेशन आ गई है, क्योंकि वायर भी जो है वो भी सिलेंड्रिकल ही होती है और उसके अराउंड हम गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ करते हैं वो भी हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस होता है। तो जो आर्टिकल हमने लीनियर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फाइंड आउट किया था, जिसकी वैल्यू आई थी हमारी E = λ/2πr, ई की जो वैल्यू आई थी हमारे पास λ/2πε₀ into r, तो ये वो सेम ही आर्टिकल है जिसमें हमने कंसीडर किया था, ये कोई लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई पॉइंट पी कंसीडर किया था, उसके बाद सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी नॉर्मल टू द जो हमारा करंट सरफेस आता है हमेशा, ये दो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे कैंसिल हो जाते हैं। तो नेट एन कैप इधर लिया था हमने, गॉस थ्योरम का यूज किया था, E.ds = Q/ε₀ करंट सरफेस के लिए, तो ये E * करंट सरफेस का एरिया 2πr, और अगर इसकी लेंथ एल है तो 2πrl हमने ली थी, ये Q/ε₀ आया था, और E की जो वैल्यू आई थी Q/2πε₀rl, Q/L को लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने पुट किया था, E की वैल्यू हमने निकाली थी λ/2πε₀r। तो यही हमारा सेम वही आर्टिकल है, आप जो कर सकते हैं इस आर्टिकल को सेम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम, 2.18 प्रॉब्लम पे। तो हाइड्रोजन एटम गिवन है, द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंडेड एट अ डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 0.53 एंगस्ट्रॉम,
तो एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेकिंग द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सबसे पहले तो सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हमें गिवन है, हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। तो वर्क डन से भी निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि Q1 Q2 डिवाइड बाई R। R12 लिखना चाहो तो 12 राइट कर सकते हो, R12 की जो वैल्यू है यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.53 आंगस्ट्रोंग। आंगस्ट्रोंग आपको पता होना चाहिए कि, और Q1 और Q2, Q1 जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो हमें Q1 मान के चलते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 नेगेटिव आएगा 10^-19 कूलम। और Q2 जो है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ये हमारा प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। तो Q2 1.6 10^-19 कूलम हो जाएगा। मीनिंग Q1 भी पता है, Q2 भी पता है, R12 भी पता है, और हम जो है एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो 1.6 10^-19 का हम स्केयर कर देंगे, नेगेटिव साइन है क्योंकि चार्ज माइनस में था, तो एनर्जी भी नेगेटिव आएगी यहाँ पे। और R12 की वैल्यू 0.53 10^-10 हो जाएगा ये। तो इसको हमें सॉल्व करना है सिर्फ, तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो है आंसर आ जाता है। तो ये जो आंसर आएगा हमारा माइनस में आंसर आएगा, दिस इज इक्वल टू -347 10^-19 जूल में आएगा, जबकि हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जो है क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1.6 10^-19 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के बाद ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मीनिंग 1.6 10^-19 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आएगी -27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट का आंसर आ जाएगा, इसके पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी, व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मीनिंग जो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के इक्वल गिवन है। व्हाट इज़ द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कितना मिनिमम वर्क करना पड़ेगा। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेंड इन ए। देखो यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, सॉरी ये मैंने उल्टा राइट कर दिया, 1/2 काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी अभी फाइंड आउट की है, ये हमारी आई है 27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या आएगी, हमारी पॉजिटिव ही आती है। तो पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे सबसे पहले। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रखना है। अब ये यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी हमें उसकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब टोटल एनर्जी कितनी आएगी, अगर इलेक्ट्रॉन की हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। तो जब इसको ऐड करेंगे 13.658 काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस में है 27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको करने के बाद हमारे पास जो नेट एनर्जी आएगी वो नेगेटिव एनर्जी आएगी, माइनस में आई है 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास जब वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है टोटल एनर्जी उसके पास इतनी है, -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हमें उसको इलेक्ट्रॉन को अब ऑर्बिट से बाहर निकालना, तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क डन किसके इक्वल आएगा, इसकी टोटल एनर्जी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए, वर्क डन, टोटल वर्क डन टू फ्री द इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा, अब देखो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी हमें इसके अगेंस्ट वर्क करवाना है, जो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फील्ड है उसके अगेंस्ट वर्क कराना, तो वर्क डन यहाँ पे हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो नेगेटिव को हटा देंगे, सिर्फ ये क्या आ जाएगा 13.58 इलेक्ट्रॉन।